आज की हमारा मूवी है इनटू द डार्क। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग को दिखाने से होती है। हम यहाँ जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो आज बहुत देर से काम कर रही थी और कल वैलेंटाइंस डे था, इसीलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज न्यूयॉर्क जाने वाली थी। काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी फ्लोर पर हम उस लड़के को देखते हैं जो बाथरूम में था और गलती से उसका पेंट गीला हो गया था। फिर पंत को सूखने के बाद वो बाहर आता है और पूरे समय लड़का अपने फोन पर कुछ जरूरी देखता रहता है, और बाद में वो भी उसी लिफ्ट में जाता है जिसमें जेन भी जाती है, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन उस लड़का जेन से कुछ बात करता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है और इसलिए अगले 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। जब लिफ्ट के अंदर दोनों थोड़ी देर बात तक करते हैं, तब उस लड़के की नज़र लिफ्ट की दीवार पर बने एक फोटो पर जाती है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। फिर वो लड़का जेन को ये पेंटिंग दिखाता है, तब अचानक से उनकी लिफ्ट बीच में रुक जाती है। तब वो लिफ्ट के कॉल बटन और इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए हाथ मिलाते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं देता, और दोनों ने फोन करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर सिग्नल भी नहीं मिलते हैं। अब जेन घबरा जाती है क्योंकि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन यहाँ देर हो रहा है, और दोनों हर ऑप्शंस को ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। अब दोनों ने हार मानने के बाद बात करने लगते हैं, तो जेन बताती है कि वो यहाँ एक अकाउंट्स मैनेजर का काम करती है। तब वो लड़का कहता है कि वो इस ऑफिस में न्यूकम है, और कुछ देर बाद दोनों को याद आता है कि सभी लिफ्टों के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट होता है। तब जेन लड़के के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, और जेन के हाथ में चोट लग जाती है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, और बाद में जेन कहती है कि वो बहुत प्यासी है। इस पर लड़का उसे अपनी पानी की बोतल देता है, और उसके पास वाइन की एक बोतल भी होते हैं जो उसके क्लाइंट ने उसे दिया था। और जेन कहती है कि अब हमें यहाँ 5 दिनों के लिए कैद कर दिया गया है क्योंकि छुट्टी के कारण कोई भी ऑफिस नहीं आएगा। और कुछ देर बाद जेन को वॉशरूम जाना लगता है, लेकिन लड़के के सामने ऐसा करने में उन्हें शर्म आती थी। तब उस लड़का उसे समझाता है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। फिर लड़का उसे खाली बोतल के अंदर करने के लिए कहता है। अब जेन इसके लिए राजी हो जाती है और लड़का दूसरी तरफ मुड़ जाता है, और फिर जेन उस खाली बोतल के अंदर करती है। अब कुछ समय बाद जेन उस ड्राइंग में एक लड़की का चित्र भी बनाती है। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और दोनों टाइम पास करने के लिए बात करने लगते हैं और गेम भी खेलते हैं। जेन लड़के से पूछती है कि क्या उसका कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड है जो आपकी तलाश में यहाँ आने के लिए, जिसे वो लड़का बताता है कि उसका कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वो इस बिल्डिंग में काम करता है। तब जेन बताती है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो आज न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। कुछ देर बात करने के बाद दोनों की वाइन पीने लगते हैं। कुछ घंटों बाद रात के 1 बजे बजते हैं और दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। इस बीच वो जेन से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, तो लड़का उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर हॉल में देखा है और तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद कर रहा था। अब ये सुनकर जेन थोड़ा शर्माने लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। तब उस लड़के ने जेन की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है, लेकिन वही जेन तो उस लड़के का अजीब सा पेंटिंग बनाई है। तब जेन उस लड़के से कहती है कि उन्हें कुछ और बात करनी चाहिए। ये सुनकर लड़का कहता है कि वो सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं, और ये सुनने के बाद जेन मान जाती है। अब दोनों अपने अपने डार्क सीक्रेट्स और फैंटेसी के बारे में बात करते हैं, और बात करते करते दोनों करीब आ जाते हैं और फिर दोनों लिफ्ट के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद लड़का जेन से कहता है कि उसे जेन से प्यार हो जाएगा। इस पर जेन लड़के से दूर हो जाती है और उसे बताती है कि वो पहले से ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। अब दोनों इस लिफ्ट से निकलकर अपने अपने रास्ते जाएंगे, लेकिन लड़का इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता था। ये सुनकर जेन कहती है कि उनके बीच जो हुआ है वो सिर्फ एक्सीडेंट था और उनके बीच और कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनकर लड़के को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद लड़का कहता है कि आई लव यू, तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सब कुछ जानता था, और तब वो बताता है कि उसने जेन से क्या क्या छुपाया था, और उनका कहना है कि वो इस बिल्डिंग में नए नहीं है और उन्होंने जेन को कुछ बार नहीं बल्कि हजारों बार देखा है।
और वो जेन के बारे में सब कुछ जानता है। वो अक्सर ओवरटाइम कैसे काम करती है और अंत में यहाँ से कैसे निकलती है, ये सब कुछ वो जानता था। इसके बाद वो लड़का जेन को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेन का सीसीटीवी वीडियो सामने आता है। दरअसल वो लड़का इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज जेन को सीसीटीवी में देखता है और वो जेन को अपना बनाना चाहता था, इसलिए जेन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्लानिंग लड़के ने पहले ही बना लिया था। मतलब उनका लिफ्ट में फंसना कोई हादसा नहीं बल्कि लड़के की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जेन के करीब आ सके। इतना कहने के बाद लड़का उससे लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेन से कहता है कि वो चाहे तो अब जा सकती है, और चाबी की मदद से लड़का फिर से लिफ्ट को चालू करता है। अब जेन को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आ जाती है और वो उस लड़के से कहती है कि तुमने मेरा किडनैप कर लिया है और यहाँ से जाने के बाद मैं पुलिस में शिकायत करूँगी। ये सुनकर उस लड़के ने फिर से लिफ्ट को रोक देता है। तब चाबी पाने के लिए जेन लड़के से लड़ने लगती है। इनमें शामिल चाबी टूट जाती है और अब ये लोग सच में यहाँ अंदर फंस जाते हैं क्योंकि चाबी ही बाहर निकलने का रास्ता था। ये देखकर जेन गुस्से में लड़के के सिर में अपने सैंडल से मारती है और लड़का भी जेन के सिर को फर्श पर मारता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों को होश आ जाता है। तब जेन उससे पूछती है कि वो बिल्डिंग में एक ही गार्ड क्यों है। तब इस पर उस लड़का बताता है कि इस बिल्डिंग में असल में तीन गार्ड हैं, लेकिन उस लड़के ने उन दो गार्डों को बताकर उनको अपने काम पर बाहर भेजा है और दूसरा गार्ड जिसका नाम टैडी है उसे डेट पर जाना था तो लड़के ने उसे भी भेजा था। ये सब सुनने के बाद जेन उसे किडनैपर कहती है जिससे लड़का गुस्सा हो जाता है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। फिर वो जेन का पर्स चेक करता है। उस पर्स के अंदर एक शर्ट मिलती है जिसे जेन अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी। ये देखकर लड़का खुद उस शर्ट को पहन लेता है। इसके बाद वो जेन को दूसरा गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए कहता है और जेन डर के मारे गिफ्ट बॉक्स खोल देती है। उस डिब्बे के अंदर एक सिगार होते हैं और उस लड़का सिगार जलाने लगता है और लड़के के इस लुक को देखकर जेन बहुत डर जाती है, इसलिए वो चैन से बैठ जाती है। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और वो नोटिस करता है कि इस लिफ्ट पर किसी भी तरह का स्क्रू नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं इमरजेंसी एग्जिट होगा। फिर वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है और वहाँ उसे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। इसके बाद वो जेन को ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए कहता है और यहाँ से जाने के बाद वो लिफ्ट खोलने की बात करता है, लेकिन जेन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था तो वो कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी तो मुझे पहले बाहर करने दो। पहले तो लड़के ने मना कर दिया क्योंकि उसने सोचा था कि जेन उसे धोखा देगी, लेकिन जेन ने उस लड़के को कॉन्फिडेंस देती है कि वो पुलिस को फोन नहीं करेगी और दोनों यहाँ से निकलने के बाद डेट पर जाएंगे। फिर लड़के ने उस पर भरोसा करता है और उसे लिफ्ट के ऊपर चढ़ने के लिए मदद करता है, लेकिन जेन लड़के को धोखा देती है और वो उसे बाहर नहीं निकालती है जिससे लड़के को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जेन सीढ़ियां चढ़ के एग्जिट डोर के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लड़का कपड़े की रस्सी बनाता है और लिफ्ट से उतरता है तो जेन की तरफ जाने लगता है। जेन बाहर निकलने ही वाली थी लेकिन लड़के ने उसे नीचे खींच लेता है जिससे दोनों सीधे ऊपर से लिफ्ट के अंदर गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेन को पहले होश आती है। वो तुरंत कुछ कागज में आग लगा देती है ताकि फायर अलार्म बजाए और फायर एक्सटिंग्विशर टीम आके उनको बचा सके, लेकिन तभी उस लड़के को भी होश आता है, लेकिन जेन उसे पीटकर बांध देती है। इसके बाद वो सिगार कटर से लड़के के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, लेकिन यह देखकर लड़का रोने लगता है। बाद में जेन लड़के के कन्फेशन स्टेटमेंट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो बाद में इसकी मदद से लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सके। इस बीच लड़का ये भी बताता है कि वो वास्तव में एक अच्छा मैनेजर था और उसने जेन को जो कहानी सुनाई वो सच भी थी, लेकिन लड़की की जिंदगी तब बदल गई जब वो कार में एक लड़की के साथ इंतमत हो रहा था। तब उसका कार को एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में लड़का तो बच गया लेकिन उस लड़की की मौत हो जाती है और इस वजह से लड़के को 6 महीने की जेल जाती है। जब वो जेल से बाहर आया तो कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं थी और इसीलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। तो उसने ये भी खुलासा किया कि उसने ये प्लान बनाया था क्योंकि वो जानता था कि जेन कभी भी एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टैडी नाम का एक दूसरा गार्ड अपनी लवर को इस बिल्डिंग दिखाने के लिए ले आता है। तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि लिफ्ट में दो लोग फंसे हुए हैं और वो उनकी मदद के लिए जाता है। वो लिफ्ट को बाहर से खोलता है और अपनी एक मैनुअल चाबी को लड़के को देता है ताकि वो लिफ्ट को अंदर से खोल सके, लेकिन वो लड़का कहता है कि उसे मदद चाहिए तो टैडी खुद लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो लड़का लिफ्ट शुरू कर देता है जिससे टैडी की वहीं मौत हो जाती है। जेन ये सब देखकर डर जाती है तो वो लड़का उसे बेहोश कर देता है और उसे अपनी कार के ट्रंक में बंद कर देता है। इसके बाद वो टैडी की बॉडी को भी छुपा देता है। फिर वो सीसीटीवी रूम में जाता है और वहां से भी सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है।
इस बीच जब वो टेडी की लवर को देखता है तो वो उसे भी मार देता है। इसके बाद वो कार में बैठ जाता है और सुनसान गली में चला जाता है और वहाँ के डस्टबिन में पेट्रोल छिड़कने लगता है। दरअसल वो यहाँ जेन को जलाने वाला था, लेकिन जब वो डिक्की खोलता है, जेन चुपके से उस लड़के पर हमला करती है। फिर वो लड़के को धक्का देती है और कार में बैठकर चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो कार को रिवर्स लेती है और उस लड़के को टक्कर मार देती है, जिससे उस लड़का डस्टबिन में गिर जाता है। इसके बाद जेन कार से उतर जाती है और डस्टबिन में आग लगा देती है, जो लड़के को भी आग लगा देती है और फिर वहीं उसका मौत हो जाती है। और इसी तरह ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी इनटू द डार्क मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।